इंडियन सिनेमा के अंदर बहुत सारे जॉनर्स की मूवीज बनते हैं, जिनमें से ही एक है फ्यूचरिस्टिक मूवीज, जिन मूवीज के अंदर हमें फ्यूचर की कहानी देखने को मिलता है। सो लेजेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा 7 बड़ी अपकमिंग फ्यूचरिस्टिक मूवीज के बारे में। सो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो को एंड तक जरूर वॉच करना। एंड गाइस, आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर प्रेस कर दीजिए, क्योंकि ऐसा ही इंटरेस्टिंग वीडियो हमारे इस चैनल पे आते रहेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वीडियो को जल्द से स्टार्ट करते हैं। नंबर 7 में आता है गणपत। ये हिंदी लैंग्वेज की आने वाली एक फ्यूचरिस्टिक एक्शन थ्रिलर मूवी होने वाली है, जिसका डायरेक्टर है विकास बहल, प्रोड्यूस्ड बाय विकास बहल एंड जैकी भगनानी। फिल्म के लीड रोल में टाइगर श्रॉफ, कीर्ति सैनन एंड अमिताभ बच्चन जी नजर आएंगे, जिसको पूजा एंटरटेनमेंट के बैनर तले बनाया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस फ्यूचरिस्टिक मूवी का बजट होने वाला है अप्रोक्स 200 करोड़, जो कि काफी बड़े स्केल पर बनाया जाएगा, जिसको हिंदी के साथ साथ तमिल, तेलुगु, मलयालम एंड कन्नड़ा लैंग्वेज में रिलीज किया जाएगा। और बात करते हैं इस फिल्म की रिलीज की, तो इस फिल्म को 20 अक्टूबर 2023 के मौके में बड़े पर्दे पर देखने को मिलेगा। नंबर 6 में आता है मायावी। मायावी सुपरस्टार सूर्या की आने वाली एक साइंस फिक्शन फ्यूचरिस्टिक मूवी होने वाली है, जिसको डायरेक्शन देंगे इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट डायरेक्टर में से एक लोकेश कनगराज, जिन्होंने कैथी, विक्रम एंड रिसेंटली लियो मूवी को डायरेक्शन दिया है। मायावी मूवी के अंदर सूर्या का एक हाथ लोहे का दिखाया जाएगा, जिसका स्टोरी बेसिकली बेस्ड है फ्यूचर में, एंड साथ में सुपर पावर्स देखने को मिलेगा, जिसके साथ VFX CGI इफेक्ट्स काफी बेहतरीन लेवल का देखने को मिलेगा। एंड अपडेट के अकॉर्डिंग इस मूवी का बजट 100 करोड़ से भी ज्यादा होने वाला है, जिसको आने वाले समय पे मल्टीपल लैंग्वेजेस के साथ बड़े पर्दे पर देखने को मिलेगा। नंबर 5 में आता है बिल्ला रंगावस्सा। ये कनाडा लैंग्वेज की आने वाली एक फ्यूचरिस्टिक मूवी होने वाली है, जिसके अंदर लीड रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे किच्चा सुदीप, जिसका डायरेक्टर है अनूप भंडारी, जिन्होंने किच्चा सुदीप के साथ पहले विक्रांत ओना मूवी के अंदर काम कर चुके हैं। ये सुपरस्टार किच्चा सुदीप की आने वाली मच अवेटेड मूवी होने वाली है, जो बेसिकली एक फ्यूचरिस्टिक मूवी होने वाली है, जिसके अंदर हमें 22009 की कहानी दिखाया जाएगा। और मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस मूवी का बजट हो सकता है 200 से 300 करोड़, जो कि मल्टीपल लैंग्वेजेस के साथ होने वाली है। इसका स्टोरी बेस्ड है फ्यूचर में, जिसके अंदर हमें काफी बेहतरीन विजुअल इफेक्ट्स VFX देखने को मिलेगा, और इस फिल्म के लिए ऑडियंस काफी ज्यादा एक्साइटेड भी है। इस मूवी के रिलीज डेट अभी 15 दिसंबर 2023 को बताया जा रहा है, लेकिन इस मूवी को 2024 के मौके में देखने को मिल सकता है। नंबर 4 में आता है कीर्ति सैनन एंड शाहिद कपूर की एक अनटाइटल मूवी। एक्टर शाहिद कपूर एंड कीर्ति सैनन स्टारर एंड इम्पॉसिबल लव स्टोरी फिल्म करने वाले हैं, जो बेसिकली एक फ्यूचरिस्टिक साइंस फिक्शन मूवी होने वाली है। दिनेश विजन ने मैड डॉग फिल्म्स के ऑफिशियली सोशल मीडिया हैंडल पर इस पोस्टर को शेयर करते हुए इस मूवी का ऑफिशियली अनाउंसमेंट किया था, जिस पोस्टर के अंदर शाहिद कपूर एंड कीर्ति सैनन का फर्स्ट लुक रिवील किया जाता है, और मूवी के रिलीज डेट को भी कन्फर्म किया गया, जिसका राइटर एंड डायरेक्टर है अमित जोशी एंड आराधना शाह, प्रोड्यूस्ड बाय दिनेश बिजान। मूवी के अंदर शाहिद कपूर एक साइंटिस्ट का रोल प्ले करने वाले हैं, जो बनाएंगे एक रोबोट, जो होने वाली है कीर्ति सैनन। फिल्म का स्टोरी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, जो कि बेस्ड है फ्यूचर में। नंबर 3 में आता है थलापति 68। लियो के बाद थलापति विजय एक फिल्म करने वाले हैं, जो कि होने वाली है एक फ्यूचरिस्टिक साइंस फिक्शन मूवी, जिसका डायरेक्टर है भंकट प्रभु। इस मूवी के डायरेक्टर भंकट प्रभु ने एक पोस्ट शेयर किया था, जिसके अंदर लिखा था वेलकम टू द फ्यूचर, मतलब थलापति 68 बेसिकली एक फ्यूचरिस्टिक साइंस फिक्शन फैंटेसी ड्रामा फिल्म होने वाली है, जिसके अंदर बेहतरीन विजुअल इफेक्ट्स एंड VFX देखने को मिलेगा। इस मूवी के अंदर थलापति विजय एक नए अवतार में नजर आएंगे, जिसको लेकर फैंस काफी ज्यादा एक्साइटेड है। फिल्म का प्रोडक्शन का काम स्टार्ट हो चुका है, एंड इस मूवी के मेकर्स इस मूवी को काफी बड़े स्केल पर बनाने की प्लान कर रहे हैं। अपडेट के अकॉर्डिंग इस मूवी का बजट भी काफी हाई होने वाला है। सो मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस मूवी का बजट होने वाला है 300 करोड़, जो कि इंडियन सिनेमा की मोस्ट एक्सपेंसिव मूवीज के लिस्ट में शामिल होती है। सो थलापति विजय अभी उनकी एक अपकमिंग लियो मूवी पर बिजी है, और लियो मूवी के बाद ही थलापति 68 पर काम स्टार्ट किया जाएगा। सो बात करते हैं इस मूवी की रिलीज की, तो इस मूवी को 2024 के मौके में देखने को मिल सकता है।
सो नंबर टू में आता है गणपत पार्ट टू। गणपत मूवी जिसका स्टोरी बेसिकली दोनों पार्ट में पूरी होगी और पहले पार्ट का टाइटल है गणपत ए हीरो इज बॉर्न और इस फिल्म का पहला पार्ट जो रिलीज होने वाली है 20 अक्टूबर 2023 के मौके में, जिसके अंदर टाइगर श्रॉफ, कीर्ति सेनन एंड अमिताभ बच्चन जी नजर आएंगे। और गणपत फिल्म के सेकंड पार्ट के अंदर टाइगर श्रॉफ, कीर्ति सेनन एंड अमिताभ बच्चन जी के साथ बॉलीवुड के और भी एक से बढ़कर एक बेहतरीन कलाकार नजर आए एंड ये भी एक साइंस फिक्शन फ्यूचरिस्टिक मूवी होने वाली है। फिल्म का पहला पार्ट का स्टोरी जहाँ से खत्म होगा उसके बाद की स्टोरी आपको सेकंड पार्ट के अंदर देखने को मिलेगा, जिसको हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा एंड मलयालम लैंग्वेज में भी रिलीज किया जाएगा। 20 अक्टूबर 2023 के मौके में इस मूवी का फर्स्ट इंस्टॉलमेंट रिलीज होने वाली है एंड इस मूवी के सेकंड इंस्टॉलमेंट रिलीज होने वाली है 2024 के मौके में। नंबर वन में आता है काल की 2898 AD। ये इंडियन सिनेमा की आने वाली काफी बड़ी फ्यूचरिस्टिक साइंस फिक्शन फैंटेसी ड्रामा फिल्म होने वाली है, जिसके अंदर लीड रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे साउथ के डार्लिंग प्रभास, दीपिका पादुकोण, अमिताभ बच्चन जी एंड इसके साथ साउथ एंड बॉलीवुड इंडस्ट्री के एक से बढ़कर एक बेहतरीन कलाकार नजर आएंगे। इस साइंस फिक्शन फैंटेसी ड्रामा फिल्म का राइटर एंड डायरेक्टर है नाग अश्विन, प्रोड्यूस बाय अश्विनी दत्त, जिसको वैदंती मूवीज के बैनर तले बनाया गया है। काल की 2898 AD जिसका बजट अपडेट के अकॉर्डिंग 600 करोड़ की है, जो की इंडियन सिनेमा की आने वाली मोस्ट एक्सपेंसिव मूवी है, जिसको पैन इंडिया लेवल पर काफी बड़े स्केल पर बनाया गया है। इस मूवी के मेकर्स की तरफ से इस मूवी का एक ऑफिशियली अनाउंसमेंट वीडियो रिलीज किया गया है, जिसके अंदर VFX CGI इफेक्ट्स काफी बेहतरीन लेवल का यूज किया गया है, जिसका VFX काफी इम्प्रेसिव नजर आया है एंड इस मूवी को ऑडियंस की तरफ से काफी अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिलने वाला है। काल की 2898 AD जिसके अनाउंसमेंट वीडियो को भी ऑडियंस की तरफ से काफी अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिला है एंड आने वाले टाइम पे ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कलेक्शन करने वाली। फिल्म के अनाउंसमेंट के बाद इस फिल्म के लिए ऑडियंस बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं एंड इस फ्यूचरिस्टिक मूवी के लिए ऑडियंस काफी ज्यादा एक्साइटेड भी है। पहले इस फिल्म का टाइटल था प्रोजेक्ट के, अभी इस फिल्म का टाइटल है काल की 2898 AD। सो बात करते हैं इस मूवी की रिलीज की, तो इस मूवी को 12 जनवरी 2024 के मौके में बड़े पर्दे पर सिनेमा घरों में देखने को मिली और मेरी बात करें तो मैं इस मूवी के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। आप भी हो तो कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो यही था 7 बड़ी अपकमिंग फ्यूचरिस्टिक मूवीज, इनमें से कौन से मूवी के लिए आप सबसे ज्यादा इंतजार कर रहे हो कमेंट करके जरूर बताएं एंड कमेंट करके ये भी बताना आपको वीडियो कैसा लगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए कि कोई ऐसा ही इंटरेस्टिंग वीडियो हमारे इस चैनल पे आते रहे। और अभी तक आपने मुझे अगर इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया तो जल्दी से फॉलो कर दीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। और मेरे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, जहां पर मैं इंटरेस्टिंग एंड एंगेजिंग वीडियो लाता रहता हूं। सो आज के लिए इतना ही, चलिए वीडियो खत्म करते हैं।